नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग मैं फिर वापस आ गया हूँ आपके सामने एक नई YouTube वीडियो के साथ गाइज अगर आप वीडियो का मेन हिस्सा देखना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ाएं और सीधे वीडियो की मेन भाग पर पहुंचे दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रहेगी रिक्वेस्ट प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके मेरे आने वाली वीडियोज़ की तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के पहले वीडियो को देखते हैं फिर करते हैं वीडियो के बारे में अंतिम भाग में आए रोज मीडिया पर रिपोर्ट हो रहे हैं अब तक एफ आई ए को सैकड़ों की दरखास्तें मौसू हो चुकी हैं जिनमें वालदेन की जानब से दावा किया गया है कि उनके बच्चों को झांसा देकर चाइना ले जाया गया और वहां पर उनको जिसम फरोशी के मकरू धंधे में डाल दिया गया बीजिंग में जो पाकिस्तान का सिफारत खाना है वहां दो से तीन दरखास्तें रोज आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि आ, पाकिस्तानी खातन जो है वो वहां पर गैर महफूज हैं अब तक सत्तर ऐसी खातन नाजीन है जिनको पाकिस्तान वापस भेजा जा चुका है जो चाइना गई

पर चीनी बाशिंदे रहते हैं और किसी को कुछ पता नहीं वो यहाँ पर तो मर्द और और मर्दों की तादाद खातन से कई ज्यादा है जिसकी एक बड़ी वजह वहां पर उन्नीस सौ उन्नासी से दो हजार पंद्रह तक राइज होने वाली एक बच्चा पॉलिसी है खानदान लड़कों को तरजीह देते हैं जिसके नतीजे में अदम तोन बढ़ रहा है यही वजह नाजीन के चीनी मर्द शादी के लिए दूसरे मुल्क का इंतबाब करते हैं इंडोनेशिया का इंत किया जाता है इंडिया का इंतख्या किया जाता है और अब पाकिस्तान का इंतख्य भी किया जा रहा है इनमें ऐसे ग्रोह भी सरगरम हैं जो शादियों की आड़ में इस मकरू धंधे में मुलवस है आज नाजीन बरह रास्त जो मुतासर फरीक है वो हमारे साथ मौजूद हैं और वो अपनी जबानी ये तमाम कहानी सुनाएंगे हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और जब उस ब्रेक से वापस आएंगे तो उनसे पूछेंगे कि उनको किस तरह से किसने अप्रोच किया

वेलकम बैक नाजीन और पाकिस्तानी खुवान की चीनी मर्दों के साथ शादियाँ और फिर यहाँ से ख़ीन को ले जाकर उन पर तशद्द और उसके बाद फोर्स प्रॉस्टिट्यूशन फिर उनके अज़ा को सेल किया गया ये कोई एक फेरी टेल नहीं है हमारे पास ये मिसालें अभी तक मौजूद है हमारे माशरे में ऐसा हो रहा है और ये बिल्कुल हो रहा है इसकी मिसाल जीती जागती मिसाल हमारे साथ मौजूद है जिनके साथ ये वाक़ हुआ और जो तमाम वाक़ा ख़ुद अपनी ज़बानी बताएंगी हमारे साथ खातून मौजूद हैं जो कि विक्टम बनी चाइनीज मैरिज का और चाइनीज गैंग है जो ऑपरेट कर रहा है पाकिस्तान में और यहाँ से खातन को लेके जाता है और वहां जाकर जो है शादी के बहाने लेके जाते हैं और शादी तो होती नहीं है लेकिन उनके साथ जो जुल्म बरबरीत किया जाता है उसकी दास्तान सुनते हैं असल मुझे ये बताइएगा कि ये तमाम मामला किस तरह से शुरू हुआ किस तरह से लोगों ने आपको अप्रोच किया और फिर ये शादी तय पाई और फिर शादी हुई और उसके बाद क्या कुछ हुआ ये जो मैर मतलब मेरी शादी मैरिज ब्यूरो के थ्रू हुई मैरिज ब्यूरो वाले ये करीबी जानने वाले हैं वो लेके मेरे घर ये रिश्ता आए हैं उससे एक दिन पहले ये खुद मेरे घर आए हैं और कहते हैं कि ये एक मतलब इसका कहीं रिश्ता तो नहीं हुआ तो अम्मी कहती है नहीं रिश्ते तो काफ़ी आ रहे हैं लेकिन अभी फ़िलहाल डिसाइड नहीं किया तो उन्होंने कहा कि भई ये इसी तरह के चाइनीज़ मुस्लिम रिश्ता है मेरे पास मौजूद है और इंजीनियर है वहाँ पे और पाकिस्तानी अच्छी सैलरी है उसका ट्रिपल स्टोरी वहाँ पर अपना घर है और वो सिटी में रहता है शिडांगों की सिटी में रहता है तो इस तरह अम्मी ने कहा अगर मुस्लिम है तो उन्होंने कहा नहीं मुस्लिम है क्योंकि जो ट्रांसलेटर साजिद हुसैन था चाइनीज़ का तो उन्होंने कहा कि ये वो कहता है ये गारंटी के तौर तो, मैं गारंटी देता हूँ कि ये बाई बर्थ मुस्लिम है उसके पेरेंट्स भी उसके रेलेटिव भी सब मुस्लिम हैं आप साजिद हुसैन को जानती थी मैरिज ब्यूरो वालों को आप जानती थी आप कौन से कोई ताल्लुक था साजिद हुसैन को मैं नहीं जानती थी मैरिज ब्यूरो वालों को मैं जानती थी वो मेरे मतलब समझ लें रिलेटिव हैं मतलब उनके साथ इतने अच्छे तल्लते हैं लेकिन साजिद हुसैन और ये ट्रांसलेटर ये चीनी लोग जो मैरिज ब्यूर... ब्यूरो वाले ये चाइनीज़ रिश्ता लाए वो आपके रिश्तेदार हैं जी जी तो उन्होंने तहक़ीक नहीं की थी कोई उनको पता नहीं था ये तमाम मामला क्या होने जा रहे हैं बेसिकली तो उनकी लैंग्वेज वही जानता था ट्रांसलेटर क्योंकि हमारी लैंग्वेज भी वो ट्रांसलेटर जानता था उनकी लैंग्वेज भी वो जानता था तो उन्होंने ये गूगल के जरिए उनको अप्रोच किया मैरिज uh, ब्यूरो वालों को उसके ज़रिए उन लोगों ने उनसे बताया कि इस तरह चाइनीज़ लड़के मुस्लिम रिश्ते भी हैं और उनको ये uh, मतलब उनको बताया गया ना कि, कि क्रिश्चियन भी रिश्ते हैं और मुस्लिम भी रिश्ते हैं इस बेसिस पे कि उन्होंने कहा चलो ये सच बोल रहे हैं कि क्रिश्चियन रिश्ते भी अवेलेबल हैं और मुस्लिम लड़के ये सच बता रहे हैं लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं वो सारों वो मुस्लिम लड़कों उनमें से कोई भी नहीं था तो फिर इसी तरह वो मेरे घर है नेक्स्ट डे ही वो रिश्ता कराने वाला मेरे साथ उनको साजिद को उनके साथ उनका एक बोस् था संग अच्छा और एक जिनके साथ मेरी शादी करवाई थी जू चोंग चेन वो जिसका पाकिस्तानी नेम मोहम्मद अली रखा गया वो आए मेरे घर तो फिर साजिद हुसैन ने कहा जो ट्रांसलेटर था उसने कहा कि हम वहाँ पर इंजीनियर और जो मतलब रिश्ता कराने वाले ने सारी डिटेल मुझे दी थी वही उसने कहा था मैंने कहा आप इस चीज़ का क्या कह रहे हैं कि ये मुस्लिम है कहते है ये बाई बर्थ मुस्लिम है मेरी गारंटी है मतलब उसने जो कसम हमारे लिए तो साजिद हुसैन ने गारंटी ली थी। जी साजिद हुसैन ट्रांसलेटर जो चाइनीज का जो ये कर दूर ये तमाम बात ट्रांसलेटर के थ्रू ही साजिद हुसैन उनके साथ मिला हुआ था आपके रिश्तेदारों ने आपसे तारुफ कराया और उसके बाद ये तमाम मामला फ्रंट मैन समझ लें चाइनीज ग्रुप का फ्रंट मैन वो था फिर उसके बाद ये हुआ कि रिश्ता के नाम है उनमें ये फिर निकाह नामे में जो डाटा डिट, डिट, वगैरह लिखना था कि ना चाकी की सूरत में और पाँच लाख में मैं और एक लाख में मंथली ये डिसाइड हुआ फिर उसके बाद मेरी जहर बात है अमीन कहा अगर ये इतनी गारंटी दे रहे हैं जहर बात है पुरजोर उन्होंने कहा ना कि ये मुसलमान है इस चीज़ की आप लोग टेंशन ना लें तो फिर इसी वजह से अमीन कहा चलें ठीक है बाई बर्थ मुस्लिम है हमें और क्या चाहिए एक वर्ल्ड सेट, सेटेट इंजीनियर है जो यहाँ पर हम लोग ढूंढते हैं अच्छे रिश्ते हैं माँ बाप यही सोचते हैं तो वो भी यही सोचे कि चले अच्छा रिश्ता मुनासिब है तो अम्मी ने हाँ कर दी तो कुछ दिनों के बाद अच्छा जब वो रिश्ता लेने आया था तो वो अपनी फैमिली के साथ था नहीं नहीं ये ट्रांसलेटर और चीनी बोस था संग और उन्होंने ये बोस पहले जाहिर नहीं किया था कि संग जो है ऐसा बोस आया है उन्होंने कहा ये चाइनी चाइना एम्बेसी में पहले एम्प्लॉय है फिर बाद में इन लोग संघ ने अपना जो अपना तारुख बाद में एफ़ वालों को दिया वो कहता है मैं जो हूँ सी पैक पर काम करने आया लेकिन उसकी कोई शिवायत नहीं मिली कि वो सी पैक में भी आया है और चाइनीज एम्बेसी के थ्रू आया क्योंकि जिस वक्त मेरे रिश्ता हुआ शादी हुई जब ये काम प्रोसेस में होने लगा तो संघ ने कहा कि जाके आप एम्बेसी ये शो मत करिएगा कि रिश्ता हमने कराया है ये कर, कहना कि हम ये बिज़नेस के वीज़े पर आए क्योंकि इसका ये पासपोर्ट देख लें उस पर जो इसका वीज़े की रिक्वायरमेंट है वो बिज़नेस ही लिखी हुई है तो वो बिजनेस के थ्रू है तो वहाँ पे आपकी लव लम्बे वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं सबसे पहले तो मुझे इस बहन के बारे में सुनकर बड़ा बुरा लगा क्योंकि ऑब्वियसली इसने बताया कि इसने ही इसके परिवार ने ही पैसा शादी का खर्च किया और शादी के बाद वो बंदा यहाँ पर रहा तो मैं तो इसमें इसके इसमें सबसे पहली गलती तो उनके परिवार वालों की मानूंगा कि इनके परिवार वाले बिल्कुल भी मतलब क्या उनके दिमाग में कोई भेजा या अक्ल थी या नहीं बिल्कुल अक नहीं थी कि भाई आप दूसरे देश जो लैंग्वेज नहीं जानता उसके चक्कर में कैसे फंस सकते हो आप बात यहाँ पर करते हैं क्या कि ये मतलब बेसिकली ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जो इनके साथ जो बंदे रहते हैं उनका लफड़ा है मतलब जो इनके साथ चाइनीज के साथ जो पाकिस्तानी काम करते हैं वो पैसे वैसे उनको मिले उन्होंने पाकिस्तानी लड़कियों की सप्लाई शुरू कर दी ये मामला ऐसा है कि इसमें ये बच्ची बच बच्च गई ये जो बहन है ये बच गई पाकिस्तान से ये चाइना नहीं गई चाइना से पाकिस्तान हर साल ऐसा माना जाता है कि हज़ार से दो हज़ार लड़कियाँ जाती हैं और बहुत ज़्यादा वहाँ लड़कियाँ जो गई हैं ज़्यादातर से वहाँ पर वहाँ पर उनसे वही काम कराए जाते हैं आप समझ सकते हो मैं बात कर रहा करूँ प्रोस्टिट्यूशन कराया जाता है और बस यही काम कराया जाता है तो ये बहन बच गई दोस्तों चाइनीज़ आप समझ सकते हो कि चाइनीज़ मतलब अब मैं क्या बोलूँ चाइना के बारे में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पूरी दुनिया को है ही नहीं चाइना क्लेम कर रहा है कि चाइना ने एक अरब से ज़्यादा वैक्सीनेशन कर दिया पूरे चाइनी चाइना में समझ रहा हो आप एक अरब से ज़्यादा वैक्सीनेशन क्लेम कर दिया चाइना के में केस अभी तक ज़्यादा जाद ज़्यादा दस हज़ार केस हैं कोरोना के दस हजार केस हैं कोरोना के तो मैं तो एक सौ एक परसेंट कहता हूँ वहाँ से सौ साल बाद भी पता चलेगा कि ये चाइना ने वायरस बनाया था दुनिया की एक और दुनिया की इकनॉमी तबाह करने के लिए यह वायरस बनाया गया होगा डेफिनेटली अब इंडिया में थर्ड वेव का खतरा है आपको भी पता है इंडिया में अब लोग तो ऐसे घूम रहे हैं जैसे कि कोरोना था ही नहीं मतलब उनको होटल क्या आप देख सकते हो सब कुछ आ रहा है तो दोस्तों अभी भी कोरोना गया नहीं है प्लीज़ वैक्सीनेशन कराएं आज दिल्ली में यूपी में केस तो सौ आ रहे हैं लेकिन दो केस ऐसे मिले हैं कापा जो ग्रीक लैंग्वेज होती है अल्फा डेल्टा बीटा गामा साई ओमेगा ये सब आपने स्कूल टाइम में पढ़े होंगे तो केस है कापा कि इसे कापा वेरिएंट मिल गया है मतलब ये मतलब जो डेल्टा वर्जन से भी ज़्यादा खतरनाक है तो दोस्तों प्लीज़ चाइना बहुत मक्कार कंट्री है बहुत ही आराम घोर कंट्री है इनको केवल पैसा व्यापार के अलावा कुछ नहीं दिखता चाहे दूसरे लोग बर्बाद हों दूसरे की बहन बेटिया की इज्जत लुट जाए इनको कुछ समझ में नहीं आता है इनसे बचें और इनके वायरस से बचें प्लीज़ वैक्सीन लगवाएँ सेफ रहें मास्क लगाएं बिल्कुल गलती ना करें लोग बिल्कुल भी मास्क नहीं पहन रहे हैं बहुत ज़्यादा लोग मतलब एटीट्यूड के साथ अब निकल रहे हैं तो वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए सी पैक ऐसे ही चलेगा इनका देखते हैं सी पैक में और क्या क्या ये पाकिस्तानी कौन कौन सी हरकतें करते हैं किस हद तक गिर जाते हैं सी पैक के चक्कर में ये सब कुछ जायज़ है पाकिस्तान में अगर किसी एक हिंदू लड़के ने किसी मुस्लिम लड़की से शादी कर ली होती ना तो वहाँ पर सौ हिंदू परिवार मर जाते ये गारंटी से कह रहा हूँ या तो उस परिवार को जो लड़का है उसे मुसलमान बनना पड़ता ये गारंटी से कह रहा हूँ लेकिन चाइना है चाइना वाले बिल्कुल पहले जा रहे हैं चीन पाकिस्तानी दोस्ती जिंदाबाद धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए जय हिंद